यूपीएससी सीसेट 2020 में एक निहायत ही आसान सवाल आता है। यूजुअली लोग एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि दिखने में बहुत टफ होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि n एक ऐसा डिजिट है जो कि 3 से बड़ा है, 3 से डिवाइड हो जाता है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होता है, और इसी n को जो भी डिजिट आ रहा होगा अगर उसी डिजिट को इन ऑप्शंस में रखेंगे तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है जो कि 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताओ। अब दिमाग में कुछ समझ में ही नहीं आया। सबसे आसान तरीका इन सबका ये होता है कि n कोई एक नंबर हम लोग सपोज कर लें जो कि इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मेरे दिमाग में 3 के टेबल पढ़ने पर 9 एक ऐसा डिजिट आया जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो 9 के हिसाब से अगर हम रखें 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, 3n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, ये सब भी 4 से डिविजिबल ही नहीं है। 2n प्लस 4 की वैल्यू आ जाएगी 22, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 3n प्लस 1 की वैल्यू आएगी 28, ये 4 से डिविजिबल है और यही हमारा सही आंसर है। आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।